महीने से कई बार आया, हर बार जब आता हूं तो एक गारंटी देके जाता हूं। गारंटी मतलब कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गारंटी देते हैं कि हम ये वाला काम जरूर करेंगे। गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 70 साल में इन पार्टियों ने धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा दिया। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं, चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते उसके बाद, है कि नहीं है? चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते ये लोग, फिर दोबारा आते हैं अगली बार, फिर चांद और तारों की बात करते हैं। तो हमने आम आदमी पार्टी इनसे अलग है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक क्रांति का नाम है आम आदमी पार्टी। हम अलग हैं इनसे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर भी जो जो वादे हमने दिल्ली की जनता को करे थे, एक एक वादा पूरा करा। जो हम गारंटी दे रहे हैं वो मैं एक तो कह के जाता हूं, और उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब? कि भाई ये ठोक पीट के ये कार्ड ले लो, अगर ना करें हम तो ये ले आना, हमारे को जो करना हो करना, हमको जो सजा देनी हो देना, ये पक्का कार्ड है। तो कार्ड की गारंटी दे के जाते हैं हम घर घर जाके, उस पर साइन होते हैं मेरे, दस्तखत होते हैं मेरे, दस्तखत किया हुआ कार्ड देते हैं। तो जैसा भी कोटियाल साहब बता रहे थे, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हुई है सर, कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके कहते हैं ये केजरीवाल गारंटी क्यों दे रहा है जी। तो जज साहब बोले भाई क्या गलत कर रहा है, तुम भी दो गारंटी, गारंटी तो सबको देनी चाहिए। नहीं, गारंटी तो सबको देनी चाहिए, तुम भी दो गारंटी, तुम तो झूठ बोलते हो, जो बोलते हो उसके बाद मुकर जाते हो, ये बेचारा कम से कम गारंटी तो दे रहा है, गलत क्या कर रहा है। तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, फिर वापस आ गए कोर्ट से भी। तो अभी तक मैंने तीन गारंटी दी, आज चौथी गारंटी देने आया हूं। पहली गारंटी मैंने दी थी उत्तराखंड बिजली बनाता है और फिर भी बिजली इतनी जाती है, कई कई बार तो 7-7 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं। दिल्ली में हम दूसरों से बिजली खरीदते हैं उत्तराखंड से, और फिर भी हमारी 24 घंटे बिजली है, पावर कट लगते ही नहीं। तो उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हमने गारंटी दी थी भाई उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो 24 घंटे बिजली देंगे। दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली भी कर दी और बिजली मुफ्त भी कर दी। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली चाहिए नहीं चाहिए? जरा हाथ खड़ी कर दो, जरा से आवाज नहीं आ रही महिलाओं की, चाहिए ना? ये नेता मेरे को खूब गालियां देते हैं बहन जी, इतनी गालियां देते हैं ये बीजेपी, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जितने नेता हैं ये बीजेपी कांग्रेस के, जितने MLA फलाना ढिमका मंत्री मुख्यमंत्री, इनको मुफ्त बिजली मिलती है तब तकलीफ नहीं है? 3-3 4-4 हजार यूनिट बिजली एक एक नेता के घर पे मुफ्त मिलती है। मैंने कह दिया 300 यूनिट बिजली मैं गरीबों को मुफ्त दूंगा, तो इनको तकलीफ हो गई इतनी ज्यादा। आप जितना मर्जी डकार जाओ, जनता को नहीं मिलना चाहिए, सारा खुद खाएंगे, जनता को नहीं देंगे। तो और जितने पुराने बिल आए हुए हैं मेरे पास, कई उत्तराखंड में जब मैं आता रहता हूँ, अब कई लोग आए पुराने बिल दिखा रहे थे, बोले जी बहुत बिल आ गए, गलत बिल आ गए, ठीक नहीं करते, चक्कर कटवाते हैं, रिश्वत मांगते हैं, इतने पैसे दे दो बिल ठीक करेंगे, करते नहीं करते? तो पुराने सारे बिल माफ करेंगे। तो ये पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी थी बच्चों को रोजगार देंगे। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिलती तो उत्तराखंड छोड़ छोड़ के बाहर कौन चाहता है अपना घर छोड़ के जाना, मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ता है, यहीं काम मिल जाए तो कोई क्यों जाएगा बाहर नौकरी ढूंढने के लिए। तो हमने कहा हम नौकरी देंगे। तो ये नेता मेरे से पूछने लगे दिल्ली में तो दिए नहीं, दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं मैंने, 10 लाख नौकरियां जो दिल्ली में करके आया हूं वही यहां कर प्रॉमिस कर रहा हूं, दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं हम लोगों ने, उत्तराखंड में भी नौकरियां देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं भाई कल सरकार मिलेगी और परसों सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा।
जब तक नौकरी नहीं इंतजाम कर पाते आपके बच्चों का, तब तक हर बच्चे को जो जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। सही है नहीं है? तीसरी, मैं आया था, मैंने कहा भाई सबको तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? श्रवण कुमार की कहानी तो सबको याद है, अपने माँ बाप को लेके गया था, आज तक कितने 1,000 साल पुरानी कहानी है, आज तक सबको याद है। तो अभी हमने दिल्ली में भी शुरू कर रखा है, दिल्ली में हम द्वारका, रामेश्वरम, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, यहाँ सब लेके जाते हैं हम। अभी अभी पिछले हफ्ते 2 गाड़ियाँ गई हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए, 2,000 लोग दिल्ली वाले, 1 गाड़ी में 1,000, 1 गाड़ी में 1,000, 2,000 लोग अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं बिल्कुल मुफ्त। उनका एसी ट्रेन थी, वहाँ पे अयोध्या में एसी होटल में उनके लिए इंतजाम करा, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त, इतना आशीर्वाद दे रहे थे, इतना आशीर्वाद दे रहे थे सारे। आप लोग जाओगे अयोध्या? कौन कौन जाएगी अयोध्या, जरा हाथ खड़े करो। अजमेर शरीफ कौन कौन जाएगा, जरा हाथ खड़े करो। और करतारपुर कौन कौन जाएगा, करतारपुर भी है उसमें, दिल्ली में हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिल्ली में हो रहा है, आपको भी फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे। और आज मैं खासकर महिलाओं के लिए बात करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1,000-1,000 रुपए डलवाएंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए, ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे, जिंदगी भर ये चाहते हैं कि औरत जो है आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे। पैसे में बड़ी ताकत होती है।